कबीर साहब अगर आज जिंदा होते तो ये लोग क्या करते, क्या उनके ऊपर भी फतवा जारी कर देते? कबीर साहब ने 14वीं शताब्दी में कहा था, 1470-80 ईस्वी के आसपास उन्होंने लिखा होगा कि काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। और ये यंत्र कब आया लाउड स्पीकर, मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से। वो लाउड स्पीकर आया 1876 ईस्वी में, उसके पहले अजाने कैसी होती थी, उसके पहले आप कैसे इबादत करते थे, और क्या ये मैंडेटरी है? नहीं। तो जो चीज़ें मैंडेटरी नहीं है उसको आप इसेंशियल प्रैक्टिस बता करके, अनिवार्य बता करके, मजहब की आड़ में ये जो तमाशा खड़ा कर रहे हैं ये पूर्णतः गलत है। चाहे हिजाब का मामला हो या लाउड स्पीकर का मामला हो, ये किसी भी धार्मिक कर्मकांड या मजहबी कामकाज में अनिवार्य नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित जैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पूर्व राज ठाकरे ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था यदि मस्जिद से अजान पर लाउड स्पीकर पर बैन नहीं लगा तो हम उसके विरोध में मंदिरों से उससे दुगनी आवाज़ में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो कल वहीं अनुराधा पौडवाल जो एक भारतीय सिंगर है उन्होंने बयान दिया है कि मैं देश और विदेश में घूमी हूँ लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए है जयराम विप्लव जी। तो सर, सबसे पहले आप इस बयान को, जो अनुराधा पौडवाल का बयान आया, उन्होंने कहा है कि मैं देश और विदेश में घूमी हूँ लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं होता, इस बयान को आप कैसे देखें? देखिए, ये तो सच्चाई है, उन्होंने कोई ये उन्होंने बस हकीकत बताई कि दुनिया मैंने घूमी है और वहाँ पर क्या स्थिति है। लेकिन सबसे पहले आप आज देखेंगे ये जो विवाद है, ये विवाद क्यों हो रहा है? ये विवाद इसलिए हो रहा है कि कानून सम्मत तरीके से काम नहीं हो रहा है, मनमाने ढंग से काम करने की कोशिश की जा रही है। मजहब के नाम पर या धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर किसी भी वर्ग समूह को इतना छूट नहीं मिलना चाहिए कि वो कानून को ताक पर रख दे। इस देश का अभी वर्तमान में जो कानून है वो क्या कहता है? वो कहता है कि रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आप लाउड स्पीकर नहीं चला सकते। और बाकी जगह अगर आप लाउड स्पीकर, मतलब क्या, तेज आवाज में बजने वाला यंत्र, जी, तो तेज आवाज में जब आप कोई चीज बजाते हैं तो उसके लिए भी रूल है, बकायदा आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो आज जो हालात है, जिसकी जहां मर्जी है वो वहीं पर शुरू हो जा रहा है। सड़कों का इस्तेमाल आप अपने धार्मिक काम के लिए करने लगेंगे तो यातायात कहाँ जाएगा? ये समाज को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, उन व्यवस्थाओं में यकीन रखिए। अगर किन्हीं का संविधान में यकीन नहीं है, अगर किन्हीं का इस देश के कानून में यकीन नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो कई बार तो लगता है कि ये दूसरा समूह जो उठ खड़ा हुआ विरोध में वो भी सही है। आखिर रास्ता क्या है? आज राहुल गांधी जी ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि पहले जो लाउड स्पीकर था वो सुप्रीम कोर्ट और जो सत्ता पे सरकार होती थी उसके हाथ में होता था, लेकिन आज जो लाउड स्पीकर है वो भाजपा और आरएसएस के लोगों के हाथों में, इस पर क्या कहें? उनका लाउड स्पीकर से मतलब आपसे था, मीडिया वालों से। और राहुल गांधी यही कहना चाह रहे कि मीडिया आज भाजपा के हाथों में है। ये वही लोग हैं जो मीडिया पर कंट्रोल करने के लिए, जो इस देश के लोकतंत्र पर कंट्रोल करने के लिए चुपके से आधी रात में इमरजेंसी लगा देते हैं ताकि इनके हाथ से सत्ता ना चली जाए। उस कांग्रेस पार्टी का जिसने प्रेस की आजादी का इतिहास में सर्वाधिक दमन किया, वो आज बात कर रही है, जबकि आज सोशल मीडिया का दौर है, आज चैनलों के अलावे यूट्यूबर्स का दौर है, जहां पर पूरी आजादी है। आप क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, आप क्या आवाज उठाना चाहते हैं, आप किस सेगमेंट में बात करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का जो दशक है, 21वीं सदी के इस दौर में मीडिया सर्वाधिक स्वतंत्र है और अपने मन से अपने मुद्दे चुनती है। उन्होंने एक बयान और, उस बयान के दौरान एक बात और कही है, उन्होंने कहा है कि जो ये भाजपा है, जो भाजपा सरकार है या आरएसएस है, वो देश को दो भाग में बांटना चाहता है, इस पर क्या है? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी अपने ही कुछ कांग्रेस के नेता हैं, मैं दो चार नाम उनको बता दूं आपके माध्यम से, उनको शायद उन्होंने पढ़ा नहीं, सुना नहीं या उनके विषय में वो जानते नहीं है। पहला नाम है गांधी जी का जी। दूसरा नाम है नेहरू जी का जी। तीसरा नाम है इंदिरा गांधी जी का जी। और चौथा नाम प्रणब दा का है, जो भारत रत्न भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे और कांग्रेस के शासन में वित्त मंत्री भी रहे। नरसिम्हा राव जी का भी नाम है। और मैं शुरू करता हूँ महात्मा गांधी जी से। 25 दिसंबर 1934 को
महात्मा गांधी जी वर्धा में संघ के शिविर में गए थे और ठीक 13 साल बाद इसी दिल्ली में 16 सितंबर 1947 को संघ के स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा कि जो अनुशासन, जो त्याग, तपस्या और समरसता, जाति विहीन संगठन जो मैंने देखा, छुआछूत विहीन संगठन मैंने देखा, इसके लिए मैं संघ को बधाई देता हूं। 1962 में के युद्ध में संघ के योगदान के लिए नेहरू जी ने 63 में उनको गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रित किया, 3000 स्वयंसेवकों ने भाग लिया था। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी जी को आमंत्रित किया संघ के कार्यकर्ता एकनाथ रानाडे ने, वो विवेकानंद मेमोरियल कन्याकुमारी में जो है उसका उद्घाटन इंदिरा जी ने किया। 2018 में प्रणब मुखर्जी जी संघ के कार्यक्रम में गए भी और उद्बोधन भी किया। तो अपने पूर्वजों के बारे में उनके क्या विचार थे संघ के प्रति और कांग्रेस पार्टी की क्या सोच रही है ये भी समझ लेते, देख लेते राहुल गांधी। तो राहुल गांधी आजकल भविष्यवक्ता बने हुए हैं, वो देश के टुकड़े टुकड़े होने की बात कह रहे हैं। जब से जेएनयू गए हैं राहुल गांधी, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होके आए, तब से वो वायरस उनके भी दिमाग में घुस गया है और वायरस इस कदर घुस गया है कि लगातार झूठ बोल रहे हैं और तमाम तरह की भविष्यवाणियां करते हैं, जबकि दो दो भविष्यवाणियों के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी जी। एक उन्होंने राफेल के बारे में कह दिया, उसके लिए उनको झूठ बोलने के लिए दंड मिला। फिर उन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या से संघ को जोड़ने की कोशिश की, फिर सुप्रीम कोर्ट में लिखित माफीनामा दिया, फिर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को देश के युवा डंडे मारेंगे और जनता ने इतने डंडे मारे कि वो राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी से छोड़कर भाग खड़े हुए वायनाड। तो बंटवारे की और टुकड़े टुकड़े की अगर बात करते हैं तो राहुल गांधी जो पोपट की तरह भविष्यवाणियां कर रहे हैं आजकल, उन राहुल गांधी को थोड़ा अपने भूतकाल में झांकना चाहिए और याद करना चाहिए कैसे नेहरू जी ने सत्ता के लालच में भारत माता के दो टुकड़े करने स्वीकार किए थे और कैसे जिन्ना की जिद के आगे वो झुक गए। क्यों झुक गए थे? कांग्रेस शासन में थी, अंतरिम प्रधानमंत्री थे, भारत के टुकड़े होने से रोकते, आज पाकिस्तान नहीं होता। ये कांग्रेस पार्टी है जिसने भारत के टुकड़े किए और मोदी जी के शासन में तो जो एक और टुकड़ा उन्होंने तैयार करने की कोशिश की थी कश्मीर में धारा 370 के माध्यम से, उसको भी खत्म करके कश्मीर को भारत का जो अभिन्न हिस्सा था उसको भी अस्थायी तौर पर एक कर दिया गया जी। सर आज एक सवाल और उठता है, जैसे कोई लाउड स्पीकर की बात आई तो उस पर पहले फतवा जारी हो जाता था, आपको याद होगा कुछ साल पूर्व अभी सोनू निगम जो भारतीय सिंगर हैं उन्होंने इसके विरुद्ध में एक आवाज़ उठाई थी, उन्होंने कहा था कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे नींद मेरी टूट जाती है। तो क्या लगता है कि अनुराधा पौडवाल के खिलाफ भी कोई फतवा जारी होगा? देखिए फतवे जारी होते रहे, हाँ जी ये दौर है जी, लेकिन कबीर साहब अगर आज जिंदा होते तो ये लोग क्या करते, क्या उनके ऊपर भी फतवा जारी कर देते? कबीर साहब ने 14वीं शताब्दी में कहा था, 1470-80 ईस्वी के आसपास उन्होंने लिखा होगा कि काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। और ये यंत्र कब आया लाउड स्पीकर, मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, वो लाउड स्पीकर आया 1876 ईस्वी में, उसके पहले अजाने कैसी होती थी, उसके पहले आप कैसे इबादत करते थे, और क्या ये मैंडेटरी है? नहीं। तो जो चीज़ें मैंडेटरी नहीं है उसको आप इसेंशियल प्रैक्टिस बता करके, अनिवार्य बता करके मजहब की आड़ में ये जो तमाशा खड़ा कर रहे हैं ये पूर्णतः गलत है। चाहे हिजाब का मामला हो या लाउड स्पीकर का मामला हो, ये किसी भी धार्मिक कर्मकांड या मजहबी कामकाज में अनिवार्य नहीं है, और इसलिए अगर है भी तो तय सीमा के तहत, तय समय के तहत बजे, मंदिरों में भी बजे, मस्जिदों में भी बजे, गुरुद्वारों में भी बजे और चर्च में भी बजे, क्या दिक्कत है? बजे तो सब जगह बजे, और नहीं बंदी हो तो सब जगह बंद हो। सर अभी एक प्रश्न और है मेरा आपसे, उन्होंने विपक्ष जो है वहाँ पर जो सरकार है अभी वर्तमान में, उनके एक प्रवक्ता है संजय राउत, उन्होंने कहा है कि जहाँ भाजपा की सरकारें हैं प्रदेशों में, अन्य प्रदेशों में भाजपा जहाँ पर सत्ता में है वहाँ से कौन सा लाउड स्पीकर हटा दिया? देखिए वहाँ पर तो जो कुछ चल रहा है वो नियमानुकूल चल रहा है, वर्तमान नियमों के अधीन चल रहा है,
और जहां पर भी गैर सरकारी और गैर संवैधानिक तरीके से गैर कानूनी तरीके से काम हुआ था, आप पिछले 5 साल का उठाकर देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश को ही उदाहरण लें, सभी गैर कानूनी लाउड स्पीकर हटाए गए। तो बयान दे देना, सवाल है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर कोई काम गैर कानूनी है तो एक राजनीतिक दल होने के नाते आप चूंकि भारत के संविधान में आस्था रख के अपना रजिस्ट्रेशन करवाए हो चुनाव आयोग में, आपको मानना चाहिए। आप मजहबी बातें नहीं कर सकते। अगर कानून है तो सबके लिए है, किसी एक को छूट नहीं मिलेगी। ये तुष्टिकरण वाली सरकार नहीं है। हम डेवलपमेंट टू ऑल एंड अपीजमेंट फॉर नन, इसी सोच को लेकर चलते हैं। इसीलिए मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।